हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि एक तो कंपेयर टू मार्केट इसकी प्राइसिंग कम है, दूसरा यहाँ से जो व्यू काफी खूबसूरत है, यहाँ से माउंटेन फॉरेस्ट डायरेक्टली आपको मुश्किल से 200-300 मीटर के दूरी पे दिखता रहता है, दूसरा एक तरफ हाईवे और मेट्रो, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है 2 मिनट का, 29th स्टोरी टावर है, 29 माले का बिल्डिंग है, प्योर हिंदू लोकैलिटी के लोग हैं यहाँ पे ज्यादातर, और सारे माउंटेन फेसिंग इसमें फ्लैट्स। आइए मैं कुछ झलकियां दिखाता हूं, उसके बाद फिर इन डिटेल आपको बताता हूं। अभी जो मैंने आपको झलकियाँ दिखाया है ना सिद्धिविनायक ऑरा का, इसका मैं आपको डिटेल बताऊं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर और बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल में, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन का भी काम करते हैं। अगर प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, प्रॉपर्टी के अलावा आपने कहीं पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लिया है और ज्यादा ईएमआई आ रहा है, उसको कम करना है, दूसरे बैंक में शिफ्ट करना है, उसे हम कहते हैं बैलेंस ट्रांसफर, बीटी शॉर्टकट में कहा जाता है, या फिर आपने फ्लैट पे लोन लिया है और भी आपको टॉप अप की जरूरत हो, फ्लैट आपने कहीं से खरीदने वाले हैं या खरीद चुके हैं, आपको होम लोन करना हो, इस रिलेटेड भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे लोन एक्सपर्ट टीम आपको इसमें हेल्प कर देंगे, डॉक्यूमेंटेशन को लेके, सारे क्राइटेरिया को लेके आपको वो हेल्प कर देंगे। 0% ब्रोकरेज यानी नो ब्रोकरेज में मैं और मेरी पूरी टीम काम करते हैं कस्टमर के लिए, डेवलपर की ओर से, और हम लोग क्या करते हैं, हमारे चैनल के थ्रू जितने कस्टमर आ रहे हैं उनके लिए, उनको हम लोग सस्ते में प्रॉपर्टी दिलवाते हैं कंपेयर टू मार्केट प्राइस। उसका वजह यह है कि बिल्डर से हम लोग होलसेल में लेते हैं, बल्क में लेते हैं सेल करने के लिए, और भी मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं प्राइसिंग पे आऊंगा तब। अभी इस प्रोजेक्ट को पूरा डिटेल में देखिए, क्या लाइव बन रहा है, क्या चीजें चल रही है। आज मैं 23 नवंबर 2024 का रिपोर्ट दे रहा हूं वीडियो में। जब आप फ्लैट लेने आएंगे उस टाइम का क्या कंडीशन रहेगा, क्या प्राइसिंग रहेगा, आप हमें फोन करेंगे, मैं और मेरी सेल्स टीम आपको उसमें बताएगी। अभी आइए डिटेल में देखते हैं यहां पे लाइव क्या बना हुआ है 23 नवंबर 2024 में। अभी मैं 2 BHK का फ्लैट आपको दिखाने जा रहा हूँ सिद्धिविनायक ओरा का। यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है और अप्रोक्सीमेटली 682 यानी 682 स्क्वायर फुट का है। इस तरफ इसका डाइनिंग एरिया है 10x4 का और 10x18 का इसका 10x18 का इसका लिविंग डाइनिंग है। अब इस तरफ आपका लिविंग एरिया है, डाइनिंग एरिया उस तरफ है, एल शेप में पूरा इसका हॉल है, ऊपर आपको ये फॉल सीलिंग बना के मिलने वाला है। लेंथ इसका देख लें, टोटल 18 फुट के आसपास लेंथ है इसका, और बाहर आपको एक करीबन 3 फुट का छज्जा मिल रहा है। ये छज्जे को बाद में इसको कन्वर्ट कर देंगे बालकनी में आफ्टर ओसी आने के बाद। और सामने ही बहुत ही फेमस यहाँ पे विष्णु मंदिर है, सामने आपको दिख रहा है माउंटेन व्यू, मुश्किल से यहाँ से माउंटेन आपको 100 मीटर का डिस्टेंस है, और बीच में यहीं पे बाजू में एक बाईपास रोड है करीबन 30 मीटर का। वो अभी देखिए ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टर्म्स के अनुसार इसमें महीना, 2 महीना 4 महीना लग सकता है रोड को, लेकिन बनना पक्का है। ये बिल्डिंग से लग के, यानी कि ये बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के तीनों साइड से रोड है, इतना खूबसूरत लोकेशन पे ये बना हुआ है। और यहाँ से नेचुरल आपको व्यू बहुत खूबसूरत मिलेगा। बाकी का आगे का फ्लैट देखते हैं, मैं आपको विंडो के साइड से एक बार कवर करके दिखाता हूँ। ये इसका डाइनिंग एरिया है और इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ किचन में। किचन में ये मॉड्यूलर किचन आपको बना के दे रहे हैं, बड़ा सा आपको मिल रहा है सर्विस प्लेटफॉर्म। ये गैस प्लेटफॉर्म है, ये सर्विस प्लेटफॉर्म है। एंड में दिया हुआ है फ्रिज के लिए स्पेस, और बाहर भी सेम छज्जा दिया हुआ है, तो छज्जे को भी बाद में ओसी आने के बाद सभी लोग कन्वर्ट कर लेंगे उसको बालकनी में। आप भी कर सकते हैं ग्रिलिंग बॉक्सिंग करके उसको, और स्टार्ट में फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है, इस तरफ आप माइक्रोवेव ओवन कुछ भी यहाँ पे प्रोविजन कर सकते हैं। इसके बाद ये किचन के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इसका कॉमन वॉशरूम। ये इसका कॉमन वॉशरूम है, सारे ब्रांडेड एसेसरीज, राइट में बेसिन दिया हुआ है, बीच में शावर एरिया है, लेफ्ट में दिया हुआ है इसका टॉयलेट कमोड। और अभी
10x12 यानी 10x12 का मास्टर बेडरूम, कॉमन बेडरूम दोनों है। पहले मैं आपको कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ, इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा मास्टर बेडरूम में। ये 10x12 का, 10x12 का ये आप बेडरूम देख लें, लेंथ वगैरह इसकी, जो फिनिशिंग, इसकी क्वालिटी, फॉल सीलिंग सब एज इट इज आपको मिलेगा। यहाँ पे भी 3 फुट का छज्जा है। यहाँ पे देख सकते हैं रोड कंप्लीट रेडी हो चुका है, खाली कनेक्ट करने की देरी है। जो भी महीना, 2 महीना, 4 महीना लगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम के अनुसार वही लगने वाला है। लोकेशन इसका बहुत प्राइम होने वाला है, प्राइजिंग जितनी इसकी अट्रैक्टिव है ना, जब ये रेडी हो जाएगा इसकी प्राइजिंग सीधे डबल हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही कम दिनों में। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम में। ये हमने दिखाया आपको कॉमन बेडरूम, किड्स बेडरूम, जिसमें नॉन अटैच्ड वॉशरूम था। अटैच्ड वॉशरूम वाला बेडरूम, ये इसका अटैच्ड वॉशरूम है। इस तरफ वार्डरोब का स्पेस है, इधर आपको मिल रहा है वॉशरूम जो मास्टर बेडरूम से अटैच्ड है। वो और यहाँ से भी सेम आपको माउंटेन का व्यू मिल रहा है, और सेम आपको नीचे का जो मैंने आपको दिखाया है छज्जा वो मिल रहा है। ये इसका वार्डरोब का स्पेस है, जहाँ पे आप कवर्ड आपका बेडरूम के अंदर बन जाता है, तो आपका पूरा का पूरा बेडरूम फ्री हो जाता है। यहाँ पे बढ़िया एक स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे आप कवर्ड बना सकते हैं, और पूरा बेडरूम 10x12 का आपको फ्री हो जाता है। एक बार फ्लैट को अंदर से देखते हैं कैसा है। ये 2 BHK हमने दिखाया है, अब चलिए इसी वीडियो में मैं आपको 1 BHK दिखाता हूँ। ये पूरा इसका पैसेज एरिया है, एक फ्लोर पे 8 से 9 फ्लैट बना रहे हैं ये। 4 लिफ्ट रहेगा, 2 स्टेयरकेस रहेगा। अभी मैं आपको 1 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ, इसमें 10x16.5 का आपको हॉल मिल रहा है। इस तरफ डाइनिंग, सामने लिविंग, और सेम आपको माउंटेन व्यू। मुश्किल से यहाँ से 100 से 150 मीटर 200 मीटर के डिस्टेंस पे आपको माउंटेन व्यू, विष्णु मंदिर, और नीचे आपको सेम 3 फुट का छज्जा मिल रहा है, जिसको आप सेम, मैंने 2 BHK में आपको बताया था, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने के बाद इस छज्जे को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ग्रिलिंग का बॉक्सिंग करके आप इसको एज ए गैलरी, एज ए पैसेज बना सकते हैं, इसको बालकनी बना सकते हैं। अब चलते हैं 1 BHK के हॉल से। ये इसका कॉमन वॉशरूम है, पाउडर वॉशरूम है। इसमें स्टार्ट में बेसिन, बीच में कमोड, और एंड में दिया हुआ है बाथ एरिया। एज इट इज जो क्वालिटी आपको दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, ये सेम आपको सब कुछ मिलने वाला है। फॉल सीलिंग इसमें भी आपको बना के देंगे ये। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ किचन। इसके किचन बड़े खूबसूरत है और लंबे लंबे बनाया है इन्होंने। ये देखें, बड़ा सा किचन आपको यहाँ पे, गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, फ्रिज का स्पेस। इसमें भी आपको सेम छज्जा मिलेगा किचन के बाहर, और विंडो के साइड से देखें तो यहाँ फ्रिज का स्पेस और माइक्रोवेव वगैरह का कैबिनेट्स आप यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम भी इसमें आपको सेम 10x12 का मिलेगा। जब एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे इसका दिया हुआ है वॉशरूम, जो बड़ा सा आप देखें, बेसिन, बीच में बाथ एरिया, और लेफ्ट हैंड साइड पे कमोड दिया हुआ है। और ये इसकी लेंथ है, अभी ये प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें भी छज्जा सेम 3 फुट का छज्जा, और सामने माउंटेन फेसिंग। यहाँ पे आप देखें अप्रॉक्सीमेटली 5x2 यानी कि 5x2 का यहाँ पे कबर्ड का स्पेस दिया हुआ है, वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है। वार्डरोब अगर दीवार के अंदर सेट हो जाता है ना, तो पूरा बेडरूम आपका एक फ्री हो जाता है। यहाँ पे इजिली आप बेड डालेंगे, उसके बावजूद भी करीबन 4 से 5 फुट का जगह आपको यूटिलाइज करने को मिलेगा। तो वो कॉन्सेप्ट इनका बहुत क्लियर है, और ये जो एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं ना, वही इन सब चीज़ों को प्रॉपर जानते हैं। नए डेवलपर लोग मीरा रोड में अभी तक इन्होंने कम से कम 15 से 20 बिल्डिंग बना चुके हैं। एक अच्छा रैपो है इनका, हर एक जगह पे नाम है, किसी भी कस्टमर का कंप्लेन नहीं है इनके प्रोजेक्ट्स में। और अब मैं एक बार अंदर से पूरे फ्लैट्स दिखाता हूँ किस टाइप का है इसका 1 BHK का। एक बार अंदर से पूरा व्यू देख लें इसका, इसके बाद मैं आपको नीचे से बिल्डिंग क्या एलिवेशन रेडी हुआ है, कितना माला बना है वो मैं दिखाता हूँ। कुछ प्लॉट का क्या चल रहा है, कैसा 24/7 इसका काम चल रहा है, वो सब देखते हैं। उसके बाद फिर
आगे प्राइसिंग डिटेल्स पे आऊँगा मैं। अभी मैं खड़ा हूँ सिद्धिविनायक ओरा के साइट पे। ये आप देख सकते हैं सराउंडिंग काम चल रहा है, इसका फुल स्विंग में काम चल रहा है और 16th स्लैब यानी कि 16 माला बिल्डिंग का कंप्लीट हो चुका है। करीबन 62% इसका पेमेंट भी ड्यू हो चुका है। ये इसका कंस्ट्रक्शन की स्थिति है। 1.5 एकड़ का पूरा इसका लैंड एरिया है। आगे का डिटेल, प्राइजिंग, साइजिंग, इसका कुछ एमिनिटीज, क्या कनेक्टिविटी है, क्या इसके एप्रिसिएशन आएगा, क्या रेंटल रिटर्न है, क्या एप्रिसिएशन ऑफ प्राइजिंग का रिटर्न है, वो सारा डिटेल में आपको बताता हूँ। इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूँगा। इसके पहले एक ज़रूरी बात बता दूँ आपको, प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे कई, यहाँ मैंने देखा है कि विरार में, मीरा रोड में, बोरीवली में, कांदिवली में, मलाड में कई 3-4 शॉप्स खुल चुके हैं और कस्टमर को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये विकास बरनवाल जी का प्रॉपर्टी प्लाजा है या किसी और का है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे जो भी आपको कॉल कर रहे हैं वो ना देख के आप हमारे जो ऊपर दिया हुआ नंबर है, आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, 9619871855। दूसरा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8070807099। ये दो ही नंबर एक्चुअली हमारे नंबर हैं और उसी पे आप काम करें, क्योंकि एक कस्टमर का कंप्लेन आ गया है कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे काम हुआ है और उनके साथ कुछ मिसबिहेव हो गया है। प्रॉपर्टी उन्होंने बुकिंग कराया लेकिन प्रॉपर उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया, बिल्डर से भी अभी उनकी फाइट हुई है और केस कोर्ट तक पहुंच गया है, और उन्होंने प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे बिजनेस किया है बट प्रॉपर्टी प्लाजा एक्चुअली वो हमारा नहीं है, कोई और दूसरा प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे, और वो केस हमारे तक आया है। तो हमने उनको बोला है कि आप हमारे से आके मिले हमारे नंबर पे, तो कुछ कंफ्यूजन हुई थी, इसलिए मैं अपने वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि हमारा जो दोनों मोबाइल नंबर है, ये दोनों मोबाइल नंबर पे ही कॉल करें और उसके बाद हम आपको परफेक्टली, मैं और मेरी पूरी टीम आपको काम करके देगी। दोस्तों आइए प्रोजेक्ट का नाम डिटेल जानते हैं। वेलकम टू प्रॉपर्टी प्लाजा, योर ट्रस्टेड पार्टनर इन रियल एस्टेट। बेस्ड इन मुंबई, वी कोलैबोरेट विद द सिटीज टॉप डेवलपर्स टू bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, Vikas Banwar. अभी जो मैंने पूरा फ्लैट दिखाया आपको सिद्धिविनायक बोरा का, इसका डिटेल मैं आपको बता दूं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और वरद विनायक डेवलपर है ये। वरद विनायक जो कंपनी है ना, अभी इनको ज्यादा 10-12 साल हुआ है बट एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। इनके पार्टनरशिप में 3-4 कंपनीज है कंस्ट्रक्शन के, 35-40 साल का एक्सपीरियंस है। अलग अलग कई कंपनी में इनकी पार्टनरशिप है और कई बिल्डिंग लोग बना चुके हैं। मीरा भाईंदर में करीबन 15-20 बिल्डिंग और भी कहीं बोरीवली, गाँव, मलाड में भी कई बिल्डिंग ये लोग डेवलप कर चुके हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है इनको। ये जो सिद्धि विनायक ओरा बन रहा है 29th स्टोरी टावर, और इसमें काफी खूबसूरत एमिनिटीज के साथ बना रहे हैं। मेन इनका लोकेशन आपको बता दूं, बहुत ही अट्रैक्टिव लोकेशन है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे यहाँ से हार्डली 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है और मेट्रो स्टेशन यहाँ से 3-4 मिनट का। हाई डिमांडेबल लोकेशन पे है ये और मीरा रोड ईस्ट कहलाता है, पर ये दहिसर से बिल्कुल कनेक्टेड है। ठाकुर मॉल से 2 मिनट का रास्ता है। ठाकुर मॉल यहाँ पे हाईवे पे बहुत फेमस लोकेशन है और फेमस मॉल है। इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट है ये आप समझ लें जरूर, ओमिया ओसिस, पृथ्वी प्राइड, सालासर आनंद, सालासर आंगन, ऐसे मैंने 4-5 प्रोजेक्ट आपको बताया जो प्रोजेक्ट इन्होंने कम्प्लीट ओसी के साथ डिलीवर कर चुके हैं ऑन टाइम। सारे कस्टमर इनसे सेटिस्फाइड है, इतने अच्छा रेपुटेशन है इस डेवलपर का। अब इस प्रोजेक्ट में चलते हैं। 1.5 एकड़ यानी कि 1.5 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, कंप्लीटली फ्री होल्ड लैंड है इसका और 50% में कंस्ट्रक्शन है। और बिल्डिंग तो आप देख ही चुके हैं, मैं आपको दिखा चुका हूं। एक सिंगल टावर है, चारों तरफ एमिनिटीज है, ओपन एरिया है, गार्डन है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, फैमिलीज के लिए, आपके लिए, जो भी लोग वहां पे परचेस करेंगे सबके लिए पूरा 50% ओपन एरिया दिया हुआ है। नीचे 29 स्टोरी यानी कि 29 माले का एक सिंगल टावर है, एक ही विंग्स है जिसमें एक फ्लोर पे 9 फ्लैट हुआ है। सारे लग्जरी फ्लैट हैं, बड़े बड़े आपने फ्लैट देखा ही है। 4 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा इसमें, 2 स्टेयरकेस रहेगा और टोटल 246 फ्लैट यानी 246 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। और कंस्ट्रक्शन स्टेज इसमें 16th स्लैब कंप्लीट हो चुका है, 16 माला बन चुका है और 62% ड्यू हो चुका है। 62% आपको पेमेंट करना है, फ्लैट बुक करना हो 62% आप लोन लेके भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, बाकी 5-10% देके बाकी का आप लोन भी कर सकते हैं।
5-10% पेमेंट करके 90%। ये एरिया इसमें छठवां माला, ग्यारहवां माला, सोलहवां माला और 21वां माला है, यानी 6th फ्लोर, 11th फ्लोर, 16th फ्लोर एंड 21st फ्लोर। और सीलिंग की हाइट जो इसमें सबसे अट्रैक्टिव है, 11 फुट की हाइट आपको घर के अंदर दिया हुआ है। 11 फुट की हाइट बहुत कम देखने को मिलता है आपको जो इन्होंने दिया है, प्लस फॉल सीलिंग बना के दे रहे हैं हर एक फ्लैट में आपको। ये रेसिडेंशियल इसमें 4th फ्लोर से स्टार्ट हुआ है। एमिनिटीज इसके ग्राउंड फ्लोर और 29वां माला यानी कि टॉप फ्लोर के एक फ्लोर नीचे आपको दिया हुआ है 28th फ्लोर पे, और ओपन एमिनिटीज ग्राउंड पे है, कवर्ड एमिनिटीज 28th फ्लोर पे है। पार्किंग ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल इसकी पार्किंग दी हुई है, तो पार्किंग का भी प्रोविजन एक अच्छा बढ़िया किया हुआ है, सरफेस पार्किंग का। अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। रेरा नंबर मैं आपको बता देता हूँ, P517000502। ये इसका महारेरा नंबर है। महारेरा का वेबसाइट जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है, ज्यादातर जो MMR यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जो यहाँ पे है, सब जगह ये रेरा का लॉ अप्लाई होता है। रेरा के लॉ जो होते हैं, ये सारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रसारित कर रही है, ये टोटल खरीदार यानी कि बायर के फेवर में उन्होंने बनाया हुआ है, बायर के सेफ्टी के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे जो आप डेवलपर को पेमेंट देते हैं, सारा रेरा के एस्क्रो अकाउंट में रहता है। सिर्फ बिल्डर को 20-30% ही प्रॉफिट का यूज करने मिलता है, 70% आपका पैसा स्टक रहता है। जब तक कि डेवलपर आपको बना के ना दे दे, तब तक वो 70% पैसा उनको मिलता नहीं है। ये रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का बेनिफिट है। तो कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना रेरा के वेबसाइट पे विजिट जरूर करें। कुछ डॉक्यूमेंट रेरा से ही डाउनलोड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इसका CC है, फ्लोर प्लान है, मास्टर प्लान है, फ्लैट प्लान है, एमिनिटीज प्लान है, बिल्डिंग एलिवेशन है। ये सब मैंने रेरा से ही डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ, ये सब आप देख लें। रेरा का QR कोड आप स्कैन करके गूगल स्कैनर से इजिली रेरा के वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। बारीकी से सब देखना हो तो रेरा के वेबसाइट पे आप जरूर जाएं। बाकी तो मैंने सर्वे करके चेक करके फिर हर एक वीडियो में अपलोड करता हूँ मेरे चैनल पे। रेरा में पोजीशन इसका मई 2029 है। डेवलपर आपको जून 2027 को ही दे देंगे, 2 साल पहले ही, 1.5 साल पहले ही आपको ये बना के दे देंगे। क्योंकि जनरली क्या है ना कि ये 1.5 साल, 1 साल, 2 साल पहले इसलिए बना के दे रहे हैं क्योंकि इनको फंड नहीं मिलता है, फंड इनका स्टक रहता है रेरा में। इसीलिए डेवलपर की जल्द से जल्द टारगेट रहता है कि जितना जल्दी मैं बना के हैंड ओवर करूंगा अपने बायर्स को, उतना जल्दी मेरा पैसा रेरा के एस्क्रो अकाउंट से रिलीज होगा। यही एक वजह है जिसके कारण डेवलपर बिफोर टाइम, आप देखेंगे कि 1 साल, 2 साल, 1.5 साल पहले ही डेवलपर आपको बना बना के प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर रहे हैं हर एक जगह पे, खासकर मुंबई महाराष्ट्र में। सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट है, कोई इसके ऊपर प्रोजेक्ट फंडिंग नहीं है। और यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है, यहाँ से आप देखें ईस्ट में आपको माउंटेन एंड पूरा फॉरेस्ट व्यू दिख रहा है, आपको सनराइज व्यू दिखेगा, साथ ही साथ संजय गांधी नेशनल पार्क। वेस्ट में आपको हाईवे, मेट्रो और सिटी व्यू आएगा, बिल्कुल पास में ही है, 2 मिनट का वॉकिंग है, तो आप समझ ही सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू आएगा आपको। और वेस्ट से वैसे भी हवा उजास हमेशा बना रहता है करीबन साल के 10 महीने तक। 2 ही महीना साल में ऐसा होता है जहाँ पे आपको ईस्ट से हवा चलता है, जनरली 10-11 महीना तो वेस्ट से ही हवा मिलेगा। नॉर्थ में सिटी एंड ओपन व्यू आपको मिलेगा, सामने क्रिक दिखेगा, और साउथ में भी सेम आप संजय गांधी नेशनल पार्क, माउंटेन, फॉरेस्ट, रिवर्स जो है जंगलों का, वो आपका व्यू आएगा। बिकॉज क्या है ना, ये हाईवे इससे 50-60 मीटर, 100 मीटर है, और एक तरफ माउंटेन इससे 100-200 मीटर की दूरी पे है। यहाँ से नेचुरल जो व्यू है, सिनेरियो है, वो बहुत खूबसूरत है, वैसे आपने वीडियो में देखा भी है। एक और प्लस पॉइंट है कि ज्यादातर पूरे के पूरे इसमें हिंदू लोकैलिटी के लोग हैं, सारे बैंकों से अप्रूव्ड भी है, जिस किसी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली ले सकते हैं। एमिनिटीज इसमें जो बना के दे रहे हैं आपको डेवलपर, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, डबल हाइटेड ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, टॉडलर जोन, फिटनेस सेंटर, स्कूल बस एंड किड्स वेटिंग स्पेस, फैमिली फंक्शन एरिया, इंडोर गेम्स, किड्स प्ले एरिया, सिट आउट एरिया, लॉफ्टर एरिया, मल्टीपर्पज हॉल, जिमनासियम, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे ये बना के दे रहे हैं। बिल्डिंग के तीनों बाजू रोड आने वाला है। फिलहाल अभी क्या है कि म्युनिसिपल टर्म्स में क्लियर हो गया है, बनने में जो भी लगे 2-4 महीना, 6 महीना, जब तक बिल्डिंग कंप्लीट होगी तब तक रोड भी बन जाएगा। कनेक्टिविटी में चलते हैं, 2-10 मिनट के अंदर आप सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल, ठाकुर मॉल, NL डालमिया स्कूल एंड कॉलेज, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, जैम्बे हॉस्पिटल, वेजिटेबल मार्केट, ग्रोसरी स्टोर, सुपर मार्केट हार्डली इस बिल्डिंग से 2-3 मिनट के डिस्टेंस पे है। एक बगल में महाविष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, और हनुमान मंदिर भी एक यहाँ पे फेमस है, जो दोनों आसपास में ही यहाँ से 2 मिनट के वॉकिंग पे है। मेट्रो स्टेशन, हाईवे, बस स्टॉप, रिक्शा स्टैंड, इस्कॉन मंदिर यहाँ से आपको मुश्किल से 5-6 मिनट पे है, बहुत ही खूबसूरत बड़ा सा मंदिर है, जहाँ पे करीबन कई एकड़ में बना हुआ है ये मंदिर, हजारों विजिटर्स रोज वहाँ पे आते हैं। डी मार्ट, मैकडोनल्ड्स, बाबा फालूदा, ये सब भी 5-7 मिनट में पहुंच जाते हैं।
जाते हैं। 10 से 15 मिनट में भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, मैक्सेस मॉल, मीरा रोड स्टेशन, सरसाज मॉल, दहिसर स्टेशन, वर्धमान फैंटासी और बड़े बड़े जो शोरूम हैं 10-10,000 स्क्वायर फुट के, जिसमें नाइकी, पेंटालोन, स्केचर, रिबॉक, ये सब 3-4 मिनट की दूरी पे ही है जो हाईवे पे है। 40 मिनट के अंदर अब यहाँ से एयरपोर्ट में डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों ही रीच कर जाते हैं। अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि क्या फ्लैट बना रहे हैं, क्या प्राइजिंग है। ये बताने से पहले मैंने आपको स्टार्ट में कमिट किया था कि मैं प्राइजिंग में हम लोग कैसे कम करवा पाते हैं, उसका रीजन क्या है। दोस्तों उसका रीजन मैं आपको बता दूं, जनरली एक कस्टमर डेवलपर के पास जाता है तो हार्डली 1, 2 या 3 फ्लैट लेगा, ज्यादा ज्यादा उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए देगा। अब डेवलपर क्या है ना, उनको जब वो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, तो उनको 1,000, 2,000, 100, 200, 500 करोड़ में उनको जरूरत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेवलपर के साथ उसके क्लस्टर हेड से, डेवलपर से बैठ के मीटिंग करते हैं कि भाई हमारे चैनल के थ्रू जितने भी कस्टमर आएंगे हम लोग बल्क में आपको बुकिंग कराएंगे, साल का 100, 200, 300 फ्लैट सेल करेंगे और उसके बिहाफ में आप हमें एक स्पेशल प्राइस दो हमारे चैनल के थ्रू आने वाले कस्टमर्स को। दोस्तों 1,000 रुपीज, 500 रुपीज पर स्क्वायर फुट में हम लोग नेगोशिएट करा के लेते हैं, क्योंकि 300-400 करोड़ रुपया हर साल हम लोग देते हैं। मैं पर्टिकुलर एक डेवलपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल हम लोग खुद की 100-150-200 लोगों की टीम है, तो जितने भी बड़े छोटे डेवलपर सबसे हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है और जो प्राइस वहाँ पे डिस्काउंट में 1,000 रुपीज, 500 रुपीज हमें मिलता है वही सेम प्राइस हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। यही एक वजह है जिसके कारण हम प्राइसिंग में कम करा पाते हैं। और 2-3 वजह है वो सुने। होर्डिंग बोर्डिंग पे प्राइस देख के आते हैं, कुछ ज्यादा प्राइस ऑफर कर देते हैं मीटिंग में बैठने के बाद, डील में बैठने के बाद, तो थोड़ा बहुत ऊपर करके वो लेके चले जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कि ज्यादा प्राइस ऑफर कर देते हैं, उनको बॉटम रेट पता नहीं होता है ना, 5-5, 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देख के आ जाते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 5-10 लाख रुपए बहुत मायने रखता है दोस्तों। ऐसा मेरे नजर के सामने कई लोगों ने 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके चले गए। मेरे वीडियो के थ्रू आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आप ऐसी हरकत ना करें, अपने एक्सपर्ट को साथ में लेके जाएं जिनको उस एरिया के बारे में पता है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप हमें फोन करें, हमारे लोग जो सेल्स वाले हैं उनको साथ में लेके जाएं, आपको हमेशा फायदा होगा। ऐसा हजारों लोगों को हमने अभी तक बेनिफिट करवाया है। और कई बार तो मैं देखता हूँ कि कस्टमर के साथ बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, चॉइस फ्लैट, यानी कि जिस फ्लैट का व्यू अच्छा है, वास्तु अच्छा है, उस फ्लैट को होल्ड कर लिया जाता है। जिस फ्लैट का वास्तु व्यू वगैरह थोड़ा डाउन है उसको पहले सोल्ड किया जाता है, क्योंकि वो पहले निकालना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, फ्लैट बनने के बाद तो आराम से जिसकी व्यू अच्छी है, वास्तु अच्छी है, वो प्राइस बढ़ा के वो लोग बेच देते हैं, इसीलिए वो चॉइस फ्लैट भी वो लोग होल्ड करके रखते हैं। कई बार तो हमने कस्टमर्स के लिए फाइट करके अच्छा वास्तु, अच्छा व्यू वाला फ्लैट कस्टमर को करवा के दिया है। और कुछ बातें ये समझ ले कि मैंने देखा है कि हमारे चैनल के थ्रू चाहते हैं ना, तो इसमें एक और बेनिफिट है कि कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे कस्टमर आते हैं, बोलते हैं कि विकास जी मैंने ऑनलाइन पोर्टल, यानी कि जितने भी प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन आप अपने प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं, चाहे बेचना हो चाहे खरीदना हो, इंक्वायरी करते हैं, एक बार आपका नंबर पुट हो जाता है ना तो वो लोग आपका डेटा सेल कर देते हैं ब्रोकर्स को। खुद तो उनके पास सेल्स टीम है नहीं, या है भी तो बहुत थोड़े हैं, तो वो लोग क्या करते हैं आपका डेटा हजारों ब्रोकर्स में शेयर कर देते हैं, फिर हजारों ब्रोकर्स आपको फोन करते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे मेरे कई कस्टमर परेशान होकर आए हैं, फोन किया। वैसे दोस्तों हमारे चैनल के थ्रू में क्या है ना, एक ही आदमी, एक ही सेल्स पर्सन रहेंगे जो आपको स्टार्ट टू एंड तक सर्वे करवाना, डील क्लोज करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, काम करवाना, सब कुछ करवा के देंगे आपको। ये सब जो प्राइजिंग के फंडे सुनने के बाद कई बार कस्टमर ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो डेवलपर के पास चले जाते हैं, फिर जब उनको प्राइजिंग वगैरह नहीं मिलता तब वो हमें फोन करते हैं। दोस्तों एक बार बता दूं, ये एक रियल एस्टेट में फंडा है कि एक बार जब डेवलपर के ऑफिस में आप डायरेक्टली चले जाते हैं तो आप उनके CRM सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं। CRM सॉफ्टवेयर में टैग होने के बाद फिर जब आप हमें फोन करते हैं ना प्राइजिंग के लिए, सर्विसेज के लिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेवलपर्स का कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, आप इनके लिए कोई भी सर्विस ना दें, कोई भी काम ना करें, कोई भी बात ना करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसका प्राइसिंग का बेनिफिट, सर्विसेज का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। फर्स्ट टाइम जब आप विजिट करने जा रहे हैं डेवलपर के पास तो पहली बार आप हमारे सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, उससे क्या होगा कि आप हमारे थ्रू टैग रहेंगे, हमें पूरी राइट रहेगी आप प्राइसिंग को लेके, सर्विस को लेके, चॉइस फ्लैट को लेके, बॉटम प्राइस को लेके, इन सभी चीजों को लेके हमारे सेल्स पर्सन उनसे फाइट करके आपके लिए कम करवा पाएंगे, प्राइस और सर्विस दिलवा पाएंगे। दोस्तों अब जो मैंने वजह बताया है ना प्राइसिंग का, टैगिंग का,
वो जरूर फॉलो करें। अभी मैं आपको जो प्राइस बता रहा हूँ वो डेवलपर का आस्किंग प्राइस है, क्योंकि मैं डिस्काउंटेड प्राइस यूट्यूब पे ऑनलाइन नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि लोग एक फ्लैट भी लेने जाते हैं तो भी फाइट कर लेते हैं जाके कि यार मेरे को ये भाव दो, विकास जी ने ये वीडियो में बोला हुआ है। इसके लिए डेवलपर का ओपन है कि भाई आप मेरे पास होलसेल वाला और बॉटम प्राइस मत बताइए, हमारा प्राइस मार्केट में अनाउंसमेंट करिए। तो मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ बिल्डर का प्राइस बता रहा हूँ, इसमें 1 BHK 2 BHK दो टाइप का फ्लैट है, 1 BHK 1 BHK जोड़ी भी है, 1 BHK 2 BHK जोड़ी भी है, और 2 BHK 2 BHK का जोड़ी भी आपको मिल जाएगा। मतलब किसी भी टाइप में आप अगर बड़ा करना चाहें, देखिए अभी क्या होता है 1-1 को जब आप ब्रेक करते हैं ना 1 BHK 1 BHK का, तो 3 BHK में कन्वर्ट होता है। एक किचन को भी एक बेडरूम में कन्वर्ट कर देते हैं आप, सेम 2-2 को तोड़ के 5 BHK में कन्वर्ट करते हैं, 2-1 को तोड़ के 4 BHK में। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है जोड़ी फ्लैट लेने में, और ज़्यादातर वहाँ पे जो प्रोडक्ट है जोड़ी जोड़ी में काफ़ी लोगों ने लिया है, क्योंकि बहुत ही पीसफुल लोकेशन में है, कोई ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा कुछ, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे रेंटल रिटर्न अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे रेंटल रिटर्न कम से कम 30 से 40 पैसे का आएगा, 0.30 to 40 पैसे का आएगा। यानी कि आप मोटा मोटी समझ लें कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेंगे तो 30 से 40 हज़ार रुपये का रेंट जो जनरली चलता है उतना वो हिसाब से यहाँ पे आएगा 30 पैसे के आसपास। इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको क्या आएगा, 8 से 10% का आपको एवरी ईयर रिटर्न आएगा। अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं तो 8 से 10% का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा, एवरेज मेरा रोड में हर साल में देख रहा हूँ बढ़ रहा है। अब आते हैं 1 BHK का कारपेट एरिया 484 square feet का है, 484 square feet का है, और जिसकी प्राइजिंग अभी देखिए इसमें प्राइजिंग का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, ये प्राइजिंग में पूरे मीरा भाईंदर में कहीं भी प्रॉपर्टी नहीं है जिसके वजह से ये दे रहे हैं। प्राइजिंग इसका 52 लाख से लेके 57 लाख के बीच में है, यानी कि 52 से 57 लाख के बीच में इनका 1 BHK दे रहे हैं ये। और 2 BHK में चलते हैं, 2 BHK 682 square feet का है, यानी 682 square feet का है, जिसकी प्राइजिंग 75 to 80 lakh के बीच में है, यानी कि 75 lakh से 80 lakh के बीच में है। अब जनरली देखें 2 BHK और 1 BHK ये प्राइस में है नहीं मीरा रोड में, न्यू प्रोजेक्ट में एक बार आएं देखें और परचेस करें, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये इन्वेस्टमेंट का। बाकी और भी हम लोग अपने होलसेल के बेस पे काम कराएंगे वो अलग, ये प्राइजिंग आपको नहीं मिल पाएगा दोस्तों। एक्स्ट्रा पार्किंग कॉस्ट 5 से 6 लाख रुपए का है, तो पार्किंग आपके ऊपर ऑप्शनली है, आप खरीदना हो नहीं खरीदना हो आपके ऊपर है। वैसे फ्लैट अगर आप खरीदते हैं 80 लाख 1 करोड़ का, तो आपको पार्किंग जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि पार्किंग भी एक इन्वेस्टमेंट है। आज जो पार्किंग आप 5 लाख में खरीदेंगे वो भी 2-4 साल के बाद 10 लाख में बेचते हैं लोग। ये तो मैंने बिल्डर का आस्किंग प्राइस बताया है, बॉटम प्राइस कितना होगा, हम लोग होलसेल के बेस पे कितना करेंगे, इसके लिए आप ऊपर दिए हुए नंबर पे आप फोन करें। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन GST वगैरह अलग से आपको लगेगा इस प्राइसिंग के ऊपर। आज के वीडियो में जो मैंने सिद्धिविनायक ओरा के बारे में बताया बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट, प्री लॉन्चिंग, अर्जेंट सेल, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी में हमेशा डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास परनवाल को। इसका बेनिफिट ये होगा डेली हम लोग एक प्रॉपर्टी अपडेट करते चले जा रहे हैं, और ऐसे में आपको घर बैठे सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपका बहुत सारा टाइम एनर्जी ट्रैवलिंग कार इसे सब बच जाएगा, आप घर बैठे सारा इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। कुछ अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आती है हमारे पास जिनको अर्जेंट पैसों की जरूरत होती है, तो वैसे केसेस में उनको अर्जेंट पैसा रहता है उनको मिल जाता है, जिनको कम भाव में प्रॉपर्टी चाहिए रहता है प्रॉपर्टी मिल जाता है। साथ ही साथ बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो लोग EMI नहीं भर पाते हैं, EMI पे नहीं कर पाते हैं, उनका 30-40% डिस्काउंट में बैंक ऑक्शन कर देती है, नीलाम कर देती है प्रॉपर्टी। इस तरह के फायदे वाली प्रॉपर्टी भी मैं हमेशा डालता रहता हूँ। प्री लॉन्च प्रॉपर्टी हमेशा देखें तो 10-15% डिस्काउंट पे रहता है। तो इस टाइप के फायदे वाली प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी में हमेशा डालता रहता हूँ, घर बैठे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट आपको ये होगा, हजारों लोगों को अभी तक मैं बेनिफिट करवा चुका हूँ दोस्तों। इसके बाद कभी आपको हमारे ऑफिस पे आना हो, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, ये राउंड बटन दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ ये 2 वीडियो मैंने इसी वीडियो से रिलेटेड दिया हुआ है, इसको भी घर बैठे देखें, एक्सप्लोर करें। फ्लैट खरीदना हो, प्राइस जानना हो, हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी कंफर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।